दतिया सिंध नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने केंद्रीय भारत सरकार के गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुनील कुमार के नेतृत्व में 3 दिवसीय केंद्रीय दल के दतिया जिले के ग्राम कोटरा सुनारी पाली बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का दौरा कर एवं ग्रामीणों से चर्चा की, संचालित शिविरों का भी किया अवलोकन। केंद्रीय दल झांसी ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सिंध नदी के पुल पर आई दरार का भी अवलोकन किया। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन, जमीनी हकीकत, क्षतिग्रस्त हुए मकानों, सामग्री, फसलों की ली जानकारी। इस दौरान केंद्रीय दल टीम में अभय कुमार, डीके शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कल भारत सरकार का एक इंटर मिनिस्ट्रियल एक दल आया था और इस प्रकार की बाढ़ की बीबीसी का जब भी होती है तो भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का दल NDRF से, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से सहायता कितनी देनी चाहिए, कितनी क्षति है, इसके आकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दल आता है। कल भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार बणवाल साहब आए थे और दल ने हमारे ज़िले में ग्राम कोटरा और ग्राम सुनारी में जो बीबीसी का हुई थी, जो मकान गिरे थे, अन्य जो लॉसेज हुए थे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस हुआ था उसको देखा, ग्रामवासियों से बात की और ग्राम सुनारी में जो एक राहत कैंप चल रहा है जहाँ पे अभी लोग रुके हुए हैं उनसे बातचीत की, जायज़ा लिया कि राहत कार्य की स्थिति क्या है और उन्होंने जो अभी तक का राहत कार्य है उस पर संतोष व्यक्त किया और आगे जो बचे हुए उनके मुआवजे हैं मकान के, उनको शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। शेष तो वो खुद भारत सरकार को रिपोर्ट करेंगे। सर, और कौन अधिकारी उनके साथ थे संभाग से? उनके साथ हमारे संभाग ग्वालियर के कमिश्नर साहब थे, CLR साहब थे, ज्ञानेश्वर पाटिल साहब और सब स्थानीय जिले के विभिन्न अधिकारी थे, मैं भी था। कोई ऐसे खास उनसे निर्देश उन्होंने आपको दे सकते हैं? निर्देश तो नहीं दिए, बेसिकली उनका उद्देश्य क्षति के जो उसका गंभीरता है उसको देखना है, उसका आकलन था, तो उन्होंने आकलन किया होगा, उस हिसाब से भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे। और से सामान्य तौर से जो चीज़ें बातचीत में उन्होंने बताई कि ख़ास तौर से ग्रामवासियों ने अलग बसाए जाने की बात कही, तो ये हमारे मध्य प्रदेश शासन ने ऑलरेडी इस बारे में निर्देश दिया हुआ है, हम लोग वैकल्पिक ज़मीन तलाश रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।